let me introduce you the beautiful cast of this amazing show, Tera Yaar Hoon Main, which is going to get beamed on August 31st. 31 August, raat 9 baje. So without further ado, let me welcome, first and all, the handsome, the father, Sudeep Sahir as Rajiv Bansal. Rajendra Chawla ji as Dada Sa Uff Pratap Bansal. The lovely, gorgeous Shweta Gulati as Janvi Bansal. And the handsome young Ansh Sinha as Rishabh Bansal. Welcome, guys. Welcome to the show. Thank you. So welcome. Right. Bansal family. Swagat hai aapka Mumbai mein, all the way from Jaipur. Kaisa lag raha hai aapko? ठीक बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है लॉकडाउन आप लोगों के लिए? लॉकडाउन ही है, लॉकडाउन चल रहा है। बेचारे बच्चे को, मुझे उसका क्या चल रहा है? बच्चे का तो हाल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। चल रहा है, हम बड़ी खुश है कि बच्चा और पति दोनों भी लॉकडाउन में है, तो उसको समय बिताने का वक्त मिल रहा है दोनों के साथ, पूरे परिवार के साथ। Thank you. So as we all know, we have the, you know, India ka sabse behtareen press is watching the show. So starting with you, Sudeep, kuch aap show ke baare mein bataiye please. Main ye batana chahta hu, ek second, ye na thoda sa try kar lo. Ye na samajh hi nahi aata. Ha, sab theek hai ji? Ha, ekdam theek hai sir. Ekdam bilkul. Main Rajiv Bansal aur main Jaipur mein rehta hu aur main branch manager hu. To mera mudda yehi hai ki मुझे अपने बेटे को ना अपना यार बना। क्या है, बच्चा पैदा होता है तो खुशी होती है, माँ बाप को बहुत खुशी होती है, बाप को भी उतनी होती है। फिर बच्चा जो है, बाप बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, साइकिल चलाना सिखाता है, फुटबॉल खेलना सिखाता है। फिर कुछ वक्त ऐसा आता है जब पता नहीं किस चक्कर में, बट बाप जो है थोड़ा सा सीरियस मोड हो जाता है या क्या हो जाता है, पढ़ाई के लिए बोलता है, बच्चा थोड़ा अलग हो जाता है, माँ के साथ क्लोज हो जाता है। अच्छी बात है, माँ के क्लोज होना, उसमें कोई बोलना नहीं है, बट हो जाता है कुछ ऐसा। और बच्चों को शायद ये लगता है कि बाप को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पापा को क्या, बट पापा को लगती तो है भाई साहब, दिल पे थोड़ी तो लगती है कि यार बेटा मतलब मेरा इतना क्लोज नहीं है, मम्मी के क्लोज है, अच्छी बात है, मेरा भी दोस्त होता तो बढ़िया होता, पर वो कहीं ना कहीं बाप को लगती है। तो ये मोटा मोटा मुद्दा है हमारे शो का। मेरा नाम सुदीप साहिर है एंड आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस लवली शो। कमाल का कॉन्सेप्ट है एंड इट्स सो रिलेटेबल कि सबकी जिंदगी में ऐसे एलिमेंट्स है शो में जो सबके साथ साथ हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। मेरे आई हैव अ 10-year-old सन एंड मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं एंड इट विल बी It is so relatable. I can't wait to show this show to you guys. I mean, it's brilliant, and I'm glad to be a part of this lovely show. और क्या कहूँ, जब मुझे ये show offer हुआ था तो सच में बात ये है कि जब मेरा last show खत्म हुआ था, I just said कि यार मैंने कभी ना कोई light zone वाला show नहीं किया, slice of life, something, you know, on a lighter zone. And I honestly told that to my wife that I have never worked with Sony sir. कोई तो सुन रहा था। जब मुझे ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट किया गया तो आई वाज लाइक यार ये तो मुझे करना है, बिकॉज दिस स्टोरी हैज नेवर बीन टोल्ड। और मैं जब आपको ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि फिल्मी उसमें कि यार ये कहानी नहीं बताई गई कभी, सच में ऐसी कहानी नहीं बताई गई। और जितना ब्यूटीफुल ये प्रोमो है उससे कई गुना ब्यूटीफुल ये कहानी है। तो प्लीज वॉच इट एंड शो योर लव एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। क्यों जी, ठीक है राजीव जी? थैंक यू राजीव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू राजीव जी, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे आदमी बुढ़ा होता रहता है बंद करना बात ही नहीं करता है, तो थैंक यू राजीव जी एज आपने बताया। बट अब हम बात करेंगे दादा साहब से। प्रताप जी नमस्ते। नमस्ते, आपके बेटे ने बात की, आपने बेटे ने बात की, आप भी कुछ बात कीजिए। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, प्रताप बंसल का रोल इस सीरियल में प्ले कर रहा हूँ। ये 1950 का बाप है, जहाँ बाप बाप होता है और बाप बेटा बेटा होता है, और बाप और बेटा कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये इस फिलोसफी पे शायद आप अतुल जी मुझसे सहमत होंगे इस बात को लेके। सर मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ, बट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो हमने वो जमाना देखा है। मैं तो खैर आपसे भी बूढ़ा हूं, तो मैंने तो
वो टाइम देखा है कि रोको और ठोको, समझाने वाली बात ही नहीं थी। हाँ, रोको और ठोको, टोको भी बीच में से निकल जाता था कई बार। तो मैं उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये पक्की धारणा बना के रखी है इस कैरेक्टर ने, प्रताप बंसल ने, कि दोस्त होता है, बाप बाप होता है, दो बेटा जो है वो और कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त नहीं बन सकता। इस फिलॉसफी पे चलने वाला वो आदमी है, और वो ये उम्मीद भी नहीं रखता कि वो उसको उस लेवल पे कभी दोस्ती के लेवल पे अपने बेटे को ट्रीट किया जाए, क्योंकि बेटे को अगर दोस्ती के लेवल पे ट्रीट किया जाता है तो फिर वो कंधे पे हाथ रखेगा, फिर याद बोलेगा। तो वो जनरेशन एक डेफिनेटली एक जो गैप है वो बना के रखना चाहता है, बाप का डर बना के रखना चाहता है। असल जिंदगी में मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी दो बेटियां हैं, एक 20 साल की, एक 19 साल की। हम ब्रदर बहुत मस्तियां करते हैं, जो कुछ भी जिंदगी में नया नया कुछ टेक्नोलॉजी सीखी है मैंने, वो उन्हीं के मार्फत सीखी है। तो ये आपके लिए एक्चुअली देखा जाता है एक नया कैरेक्टर था, बिकॉज आप रियल लाइफ में ऐसे हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे को मैं जैसे आपने कहा कि डिफिकल्ट भी था और आसान भी था, क्योंकि वो उस जनरेशन को मैं सालों तक देखता आया। करेक्ट, सालों तक देखता आया, और मुझे पता था उस टाइम मुझे भी बहुत बुरा लगता था, यार मेरी बात ही नहीं समझ रहा कोई, यार जो राजीव की हालत है वो मेरी हालत होती थी शायद, उस हर जनरेशन में बेटे की यही हालत होती है, चाहे जनरेशन कोई भी रह जाए। जब अंश भी अगर कल को जाके बाप बनेगा तो वो भी राजीव की तरह ही बिहेव करेगा। हाँ, वक्त के साथ आप थोड़े से बदल सकते हैं, आप चेंजेस आएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे सिचुएशंस, लेकिन रहेगा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो एक लेवल तक दोस्त है, लेकिन उसके बाद बाप तो अंदर से जाग ही जाता है। थैंक यू प्रताप जी। अब हम बात करेंगे, बिफोर वी गो अहेड, मैं अगेन अब जो भी जो प्रेस है सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे बॉक्स है आप जो अपने क्वेश्चंस पूछना है, आपका नाम, आपका पब्लिकेशन नाम, और किस कैरेक्टर को आपको क्वेश्चन पूछना है प्लीज उसमें डाल दीजिए, सो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली विल हिट द राइट कैरेक्टर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नमस्ते जानवी जी, थैंक यू सो मच। आपके आपके पति ने बात की, आपके ससुर ने बात की, अभी आप भी बताइए प्रेस को शो के बारे में प्लीज। जी, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। ये शो जैसे सब जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है बाप और बेटे की, और किस तरह से बाप वो जेनरेशन गैप को फिल करना चाहता है और अपने बेटे से दोस्ती करना चाहता है। मैं प्ले कर रही हूँ इस बाप की बीवी और इस बेटे की माँ, इसका रिलेशनशिप अपने बेटे से बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं ना, बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ से होता है, और बाप से हमेशा दूरी बनाए रखता है क्योंकि एक डर होता है बाप का उसके मन में। पर ऐसा माँ के साथ नहीं होता, बच्चे माँ से हमेशा बहुत क्लोज होते हैं, सारी अपनी दिल की बातें माँ से शेयर करते हैं, वो डर नहीं रहता माँ का। तो ये माँ भी अपने बेटे के साथ वैसा ही एक खूबसूरत सा रिश्ता निभा रही है। और जहाँ तक जानने की बात है, बहुत ही सुशील बहू है, एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी माँ है, दोस्तों अपने बेटों के, बेटे और बेटी के बहुत करीब है। बाकी जितने रिलेशनशिप्स हैं बहुत ही खूबसूरती से निभाती है, और एक सुशील बहू है घर की। बड़ा प्यारा सा शो है ये, शो लिया ही मैंने इसलिए था क्योंकि ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है और पहले कभी दर्शाई नहीं गई है स्क्रीन पर, तो इसे तो मतलब लेना ही था। और ये पहली बार है जो मैं स्क्रीन पर माँ बन रही हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये झिझक था कि क्या मुझे ऐसा रोल मैं कन्विंसिंगली कर पाऊंगी, ये नहीं कि मैं लेना चाहूंगी या नहीं, पर क्या मैं खुद को कन्विंस कर पाऊंगी कि मैं क्या मैं ये रोल निभा सकती हूँ। बट ये कहानी ऐसी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि नहीं, ये इसे हम ना नहीं कह सकते। तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ कि 31st August कब आएगा और कब ऑडियंसेस हमें देखेंगी और प्यार देंगी, बस बहुत सारा। नहीं नहीं, हम सब बहुत ही एक्साइटेड है इस नए शो को लेकर जी। और अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यंग ऋषभ बंसल जो एकदम सितारों में बैठा हुआ है अपने स्क्रीन के पीछे, यू नो हम कितने हमारी बैकग्राउंड कितनी बोरिंग है, इसको देखो ना, यंग आदमी, इसका बैकग्राउंड एकदम एकदम रंगीला है। यस, सो यस ऋषभ बंसल, प्लीज आप बताइए समथिंग टू द प्रेस, यू नो। ओ सॉरी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था। हाय, आई एम ऋषभ बंसल, मेरा नाम अंश है। एंड अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा मैं। माय कैरेक्टर इज रियली वेरी कूल, नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मॉम अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है। डैड से डिस्टेंस बनाए रखे क्योंकि कभी समझ नहीं आता मुझे मेरे पापा का, जब कुछ अच्छा कहूँ उल्टा मुझे ही सुना देते। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हिम,
बट मेरी मोम बहुत प्यारी है, उनसे काफी चीजें शेयर करता हूँ एंड अभी तक पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, बट ठीक है ओके. और बाकी मेरे दादाजी दादी माँ बहुत प्यारे हैं, आई रियली लव देम. घर पे आए, आई लव एवरी वन इन माई हाउस. यारों का यार, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो या कितनी भी छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं उनके लिए हमेशा रहूंगा. सो आई एम रियली फ्रेंडली. मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, आई लव स्टडीज और टेक्नोलॉजी और गेम्स. आई एम अ गेमिंग फ्रीक, गेम्स काफी अच्छा लगता. या सो बाकी और कुछ नहीं, दिस इज अबाउट माई कैरेक्टर. एंड रिगार्डिंग द शो, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ सोनी सब, क्योंकि मैं खुद उनके शोज देखता आ रहा हूँ एंड इट्स रियली फन वॉचिंग. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. और इसके अलावा आई थिंक आप ये शो को काफी रिलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि बीइंग अ टीनेजर एज वेल मैं ऐसे ही फेजेस से अभी भी जा रहा हूँ. इट्स लाइक नथिंग हैज चेंज्ड, आई एम स्टिल द सेम टीनेज बॉय. कॉलेज पास आउट कर लिया एंड पापा को अभी मैं अपने पापा से काफी क्लोज हूँ, बट वो टाइम पे जब मैं अपने पापा से चीजें शेयर नहीं करता था, आई यूज्ड टू मेक सम डिस्टेंस फॉर समथिंग. सो आई थिंक फॉर मी दिस कैरेक्टर इज सो रिलेटेबल एंड आई कैन कनेक्ट टू इट, सो इट ब्रिंग्स मी जॉय एंड इट्स गुड. No, it's a joy to have all of you with us on Sony Sub. Once again, Tera Yaar Hoon Main on August 31st at 9 p.m. But, you know, before, once again, jo press hai, jo hai, please, once again, jo aapke questions hai, niche ek box hai, aapke screen ke niche, put your name, put the name of your publication, aur kis kirdaar se aapko question puchna hai, dal dijiye, through technology, mujhe question milenge, aur main ko puchunga. But, abhi mujhe thode kuch question puchne hai, toh first of all, once again, to Rajiv, Hi, you know, this show is perfectly titled Tera Yaar Hoon Main. Do you agree or no? Well, I agree because sach kahun to mera, jaise maine kaha, I have a 10-year-old son and I agree Tera Yaar Hoon Main from a father's point of view, it's really important because main apne bete ka yaar hoon. And for me, my family is everything. My son means a lot to me and the love is it's unconditional. तो तेरा मैं हमेशा उसका यार ही बन के रहना चाहूंगा. फॉर्चुनेटली फॉर मी माई फादर इज एंड ही हैज ऑलवेज बीन माई यार. आई बीन वेरी लकी एंड आई नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज फॉर मी टू बी लाइक दैट विद माई सन. इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव. मतलब आई वॉन्ट कि मेरा बेटा आके मुझे बताए कि यार अच्छा यू नो आई वेंट आउट या मैंने ये किया वो किया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यार बनना जो है ना अपने बाप को अपने बच्चे का. जानवी जी ऑल्सो सेड दैट यू नो जो बेटे होते हैं ऑलवेज होते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं मामाज बॉयज. So the next question is actually to Janvi ji. No, aap bataiye, what is the secret formula every mother has, you know, because of which they are always very, you know, effortlessly very close to their children, you know. You know, it's the mother who keeps the child in her womb for 9 months. It has to happen like that, don't you? Aapko 9 months ka advantage hai actually. Ye to apne khoon se seedhti hai maa. Absolutely. And it is rightfully. Aapka haq hai ye. Actually. तो वो जब वो बीच पड़ता है ना तब से माँ के साथ जो कनेक्शन है ना वो तब बनता है. बाप के साथ कनेक्शन फिजिकली और इमोशनली तब ज्यादा बनता है जब उसका जन्म होता है, बट माँ के साथ तो उसकी पहली सांस से जो वो अंदर लेता है उससे वो जुड़ा रहता है. तो बहुत ही नेचुरल है ये कि ऊपर वाले ने बनाई ऐसी प्रकृति ऐसी है कि वो माँ से इस तरीके से जुड़कर बाहर आता है बच्चा जब आता है. तो एंड आई एम नॉट एक्सपीरियंस मदरहुड बट आई डोंट नो यहाँ आती वो मम्मी वाली फीलिंग. हालांकि मैं आई एम नॉट मैरिड ऑल्सो इन माय पर्सनल लाइफ बट इन बच्चों के साथ ये है ही इतने प्यारे. इनफैक्ट इवन विद राजीव आई थिंक द एंटायर सेटअप इस शो का इतना खूबसूरत है ना कि वो अपने आप ही हम अपनी कैरेक्टर के स्किन में घुस जाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को प्ले करने बहुत इजीली शुरू करते हैं. सो परफेक्ट. मुझे एक्चुअली दादा साहब से क्वेश्चन पूछा था लेकिन आई थिंक दादा साहब टॉयलेट गए हैं, थोड़ा लंबा टाइम लगा रहे हैं, वापस आ जाएंगे. बट लेट अस गो स्ट्रेट टू द
the young boy, the lovely, the young Rishabh Bansal. यार तेरे को पूछते हैं यार, नो शो में आप, आपका पापा, मैं देखा आप दोस्त बनना चाहता है, यू नो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं आपके पिता, आपके साथ कभी रियल लाइफ में, सच बताना, रियल लाइफ में भी डज योर फादर स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, या जैसे मैंने बोला वो जो कमेंट्स डालते हैं ब्लेस यू बेटा? Absolutely not. I think मैं honestly अगर आपको बताऊं तो मैं अपने पापा को हेल्प कर रहा हूँ कि पापा ये इंस्टाग्राम इसको ऐसे यूज करते हैं, पापा दिस व्हाट्सएप इसको ऐसे यूज करते हैं. सो इट्स नॉट दैट केस. शुरुआत I am 21 right now, but वो टाइम पे when I was 17, 16 तो मैं ऐसी चीजें कहता नहीं था. My father never used to stop me. He used to always support me. Used to be with me. वो मुझे पूछते थे, वो चाहते थे कि मैं उन्हें सामने से आके बताऊं. जैसे सुदीप सर ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे सामने से आके बताए. इट गोज फॉर मी एज वेल, क्योंकि पापा भी वही फीलिंग चाहते हैं कि मैं उन्हें सामने से आके बताऊं तो कहीं और से पता ना चले. तब मैं बहुत डांट खाता था. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहां से पता नहीं चाहिए. पेरेंट फील्स क्या, फर्स्ट मुझे पता होना चाहिए. राइट. तो वैसा ही सेम बॉन्ड इज विद माई फादर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. आई रियली लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम. मेरे पापा इज द बेस्टेस्ट फ्रेंड आई कैन एवर हैव इन माई लाइफ. And the only thing which I would say, if he's watching this right now, so I would say like, I love you, man. I love you. Oh, so that's so sweet. That's so sweet. And let's hope with this show, Tera Yaar Hoon Main, also aap, I'm very, you know, I'm very, kya bolte, intrigued to see ke ye aapka jo Rajiv ji aur aapka jo relationship, wo kaisa develop hoga. या आप क्या आप उनको सोशल मीडिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे देखना है. बट वील ऑल वॉच दैट ऑन ऑगस्ट 31st at 9 PM. ओके, लेट मी सी इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस. वंस अगेन मैं प्रेस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उसमें डालिए. आप अरे दादाजी, अरे नमस्कार. मैं चला गया था जरा. समझ गया सर, मैं समझ सकता हूँ. इस उम्र में मुझे भी होता है. मैं भी एक्चुअली डायपर पहन के आया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ. मैं आपका ही वेट कर रहा था दादा से. आप दादाजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. तेरा यार हूँ मैं, मेरे हिसाब से विल अपील टू बोथ किड्स एज वेल एज पेरेंट्स. आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इस सीरियल के हर जनरेशन इस सीरियल को आइडेंटिफाई करेंगे, हर लोग को आइडेंटिफाई करेंगे. जो तीन जनरेशन है वो भी बाप भी कभी बाप था और बाप भी कभी बेटा था और दादा भी कभी बेटा था. इस नोट पे चलेगा. I'm sorry, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया. नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो सर. आप राइट ट्रैक पे हैं सर. हाँ जी. But as I can see, there are a lot of questions जो प्रेस से आ रहे हैं. लेकिन once again, आप काफी general questions भेज रहे हैं. If you can say to which character, नहीं तो I will let it up. जिस जिसको answer करना है कर देंगे. पर अगर आपको जिस character को question पूछना है, आप please उसका लिखिए. तो it will direct, we can get the answer from that character. But let's not, actually काफी questions आए. I can see my page is full of questions from the media. तो मैं, let's take the first question, which is I will take once again to Sudeep. Actually, Sudhir, आपने आंसर किया पर थोड़ा डिटेल में बताया. अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड बी द चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप? आपने भी थोड़ा बताया, थोड़ा अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडियल चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप? वेल, आइडियल अकॉर्डिंग टू मी, आई एम ट्राइंग टू बी आइडियल एंड आई एम ट्राइंग टू हैव अ रिलेशनशिप विद माय सन. मैं उसी को कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा, मैं उसको इतना कंफर्टेबल करूं कि वो मुझे सब कुछ आके बताए कि पापा, आई वांट टू बी हिज फ्रेंड. ऑनेस्टली, यू नो, आई ऑलवेज टेल हिम आल्सो कि अगर यू नो इफ यू डू समथिंग प्लीज टेल मी, वी विल हेल्प यू, वी विल सॉर्ट इट आउट एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई वांट टू बी हिज फ्रेंड. आई वांट टू, नाउ ही टेल्स मी हाउ टू डीजे. सो आई वांट टू बी एक्टिव विद हिम एंड ट्राइंग टू मेक ट्यून्स विद हिम, यू नो, सो ही फील्स दैट फादर इज इन्वॉल्व विद मी. ही, यू नो, वी हैव टू एनकरेज हिम एंड नॉट डिस्करेज हिम. ऑफ ये नहीं बोलना कि यार ओके तू तो एक्टर बनेगा, नहीं, उसको यार जो करना है, आई वुड लव हिम टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. बिकॉज़ मेरे फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू ये कर, तेरे को ये बनना है, तेरे को ये. ही सेड ओके, डू व्हाटएवर यू फील एंड यू शुड लव योर वर्क इवेंचुअली. सो आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई सन इन एवरी वे पॉसिबल सो दैट ही, यू नो, ही इज कम्फर्टेबल, ही कम्स एंड टेल्स मी स्टफ. तो मैं उस तरह से सोचता हूँ कि यार जो भी है, आई जस्ट शुड make him happy and I love him unconditionally. सब माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार करते हैं. तो मेरे लिए दोस्ती का मतलब यही है कि यार मैं हूँ तेरे साथ, तू कर, तू मुझे बता, I am there with you no matter what, I am not going to fool you for anything. And as I would summarize, कि आप कहना चाहते हो कि तेरा यार हूँ मैं in one way. बिल्कुल तेरा यार हूँ मैं, बिल्कुल. Okay, this question was asked by Manisha Sutar. I think it is from IWM Buzz.
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विल गो स्ट्रेट टू दादा साहब, क्योंकि दादा जी आपने बहुत ही आप कहाँ चले गए थे, तो आपने क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आपके, दिस आस्क्ड बाय अलंकार बरनवाल फ्रॉम स्वतंत्र भारत लखनऊ, शो का क्या मैसेज है दर्शकों के लिए? दादा जी क्या बोलते हैं आप? सबसे बड़ा मैसेज है कि ये जो सारी जनरेशन, नई पुरानी जितनी भी जनरेशन है, हम तीन पीढ़ियां दिखा रहे हैं इस शो में। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन को, राजीव रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड जनरेशन को, और हमारा ये अंश जो है वो लेटेस्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से तीनों रिलेशनशिप में, तीनों जनरेशन में एक बार्टर सिस्टम होना चाहिए। वाओ कुछ हम दें, कुछ हम लें, हम उनसे नई चीजें सीखेंगे, वो हमसे बार्टर में हमारे पुराने संस्कार सीखेंगे। तो ये लेन देन जिस तरह से है, ये लेन देन हर हमेशा कायम रहे, और कोई किसी को अपना दुश्मन ना समझे, प्यार समझे, यार समझे। यार सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मानने से होगा, कुछ बातें सीखने से होगा, कुछ बातें सिखाने से होगा। परफेक्ट, आपने बहुत ही बार्टर सिस्टम की बात करके बहुत ही आप अलग लेवल पे लेके गए, ब्यूटीफुल आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इज टू द यंग ऋषभ बंसल, which is asked by Jigar Ganatra. I don't know publication ka naam nahi likha hai, par Jigar Ganatra asked this question to Rishabh. According to you, Rishabh, what is the most annoying aspect of a father? Dil ke khol ke bol dena to ye. Annoying aspect? I think wo papa ego mein jaldi le lete hai cheezon ko. I mean, if I am like not speaking to him, to wo ego mein leke na, wo karenge nahi, wo samne se aake baat nahi karenge. He would take it in a very bad way. Wo, I think that would come up very first. एंड अगर वो चीज में, इफ आई थिंक कि अगर वो सामने से आके बात कर ले अपने बेटे से भी, सो इट वुड लाइक बैलेंस इट आउट। बट वही है कि उनको गुस्सा काफी जल्दी आता है चीजों को लेके, सो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई रियली फील। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क दिस, ठीक है, लेट मी आस्क दिस टू जानवी, बिकॉज जानवी ने काफी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस पारिवार वाले धारावाहिक में है, कॉमेडी में नयापन क्या होगा? हम एक कॉमेडी शो नहीं बना रहे जिसमें हर मौके पर एक लाफ्टर लाइन आएगी। ये शो है रिश्तों पर, स्पेशली बाप और बेटे के रिश्ते पर, और सारे परिवार के एक दूसरे के साथ रिश्ते पर। तो इसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पर ऑडियंस हंसेगी, कभी बहुत रोएगी भी, कभी उनको ड्रामा दिखेगा, कभी उनको खुशी दिखेगी, कभी वो बहुत हंसेंगे, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं शो में जो बहुत ही फनी है, जो फनी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट जो जब जब वो आते हैं और वो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो बस आपको हंसा देते हैं, उनकी उनका चार्म, उनका उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलने का तरीका। तो हम ये आपको खुश करना चाह रहे हैं, हंसाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ हंसाना नहीं चाह रहे हैं। आपको हमको देखकर बहुत दिल को सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, और आप हमारे कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ऐसी जानवी को जानती हूँ, या मैं अंश को जानता हूँ, या मैं राजीव हूँ, या मैं दादा सा हूँ। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बस खुश रखेंगे, आपको आपकी जिंदगी में ये खुशहाली लेकर आएंगे, आपको अच्छा लगेगा हमें देखकर। Thank you so much. This question was asked by Shri Prem Tiwari. Now we'll go to the next question again to Sudeep. Sudeep, this question is asked by Latikesh Sharma from the Nav Bharat. How is your personal relationship with your father? I know you have said it before ki aapke bhi pitaji kafi cool hai Sudeep ji, but what do you feel is, can you dwell more about the relationship with your father? Sure, hi Latikesh. So, your father, first of all, aap ek kaam kijiye, father सीरियल में प्रताप जी से आप वो कीजिए, एंड विथ योर रियल लाइफ फादर, थोड़ा उसको और मजेदार करते हैं। तो जो मेरे सीरियल के जो पापा है जी, वो तो मतलब वो लपेट देते हैं, मतलब उनको मौका मिलना चाहिए लपेटने का, वो लपेट वो पानी गिर गया लपेट। बट इन रियल लाइफ माय फादर हैज नेवर इवन टच्ड मी लाइक दिस। वाओ, आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब मेरे मार्क्स आते थे अरे तो बच गया, जस्ट फेल होते हुए। तो मेरे पापा ने क्या करना है, तो मुझे बता यार क्या करना है, तेरे को ये करना है, वो करना है। एंड बिकॉज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट ही सपोर्टेड मी, आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर इन स्टडीज, एंड एट द एंड ऑफ इट आई हैड अ डिस्टिंक्शन। अगर यही मुझे लपेट मारी होती
तो शायद मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, बट मेरे फादर ने बोला कि यार तू बता मैं तेरे साथ हूँ, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड दैट इज दिस डिफरेंस दैट आई सी वन ऑफ देम, कि अपने पापा ने अगर मैं फेल होता तो वो तो मेरे डंडे से घुटने ही तोड़ तोड़ देते हैं. तेरा यार हूँ मैं, सभी कलाकारों का लॉकडाउन में क्या क्या अनुभव है, क्या खोया क्या पाया? दादाजी आपसे बात करते शुरू करते हैं. नहीं, मैंने तो बहुत कुछ पाया. फैंटास्टिक. सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो सुबह 9 की शिफ्ट होती है, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे तक तैयार होते हैं, जब जाते हैं तो बच्चे भी सोए रहते हैं और घर से निकल रहे होते हैं तब भी बच्चे सोए हुए रहते हैं. उनका अपना एक शेड्यूल है, अपने किसी की अपनी अपनी जिंदगी है. और फिर 10 बजे के बाद इतनी था, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था कि मैं मतलब एक सब टीवी था जबकि बात बता रहा हूँ, वो मैं करीबन नहीं तो भी 35-40 पेज बोलता था. और मैं जब मैं घर आता था तो मेरा कान म्यूट होता था, मेरे होंठ हिलते हुए दिखते थे मुझे. मैंने कहा मत पूछ, कुछ भी मत पूछ, बातें मत कर, समझ में आएगा, यहाँ जा ही नहीं रहा है, यहाँ रिसीवर एकदम ऑफ हो गया. पर ये जो पीरियड रहा लॉकडाउन का, वो इतना ब्यूटीफुल रहा कि किसी के पास कहीं जाना नहीं है, कहीं शॉपिंग नहीं जाना है, कहीं मॉल में नहीं जाना है, सिनेमा नहीं देखनी है, जो कुछ भी देखना है अपने घर में देखना है, ट्राउजर्स भी नहीं पहनने हैं, तो देख ही नहीं इतने टाइम से. तो बहुत सुंदर समय गया, बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट यू ऋषभ, लॉकडाउन का क्या खोया क्या पाया? मैं खोया आई थिंक जो प्लान्स किए थे मैंने, आउटिंग्स के प्लानिंग किए थी बहुत सारी. आई वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, काफी एक्सप्लोर करना चाहता था, और वही कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंड ऑल, तो ये सब चीजें. हाँ ओके, आई रियली लॉस्ट ऑल द प्लानिंग व्हिच आई हैड. बट मैं जो चीज पाया दैट आई वुड रियली से इज द फैमिली टाइम, जो काफी ये ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा मिला है. वी आर जॉइंट फैमिली, सो मैं सबके साथ रहा हूँ. दिस इज द थिंग व्हिच आई रियली caught and I am happy. और दूसरी बात जो एक और चीज में पाया वो है knowledge, because all this like 4-5 months काफी चीजें I have started reading books और फिर वो movies देखना, तो basically a lot of knowledge as well. So ये दो चीज जो खोया और मैं पाया. Thank you so much. श्वेता, जानवी जी आप बताइए. पहले खोया मैं बताऊंगी. मसल खोया क्योंकि जिम बंद थे. तो मैं वर्कहोलिक हूँ या पर्सनल लाइफ में मैं वर्कआउट हॉलिक हूँ. मुझे हाँ बिल्कुल. तो मैंने बहुत जिम मिस किया और मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में तो नहीं थी, बट बहुत ही सैड थी क्योंकि मैं जिम नहीं जा पा रही थी. तो वो चीज मुझे बहुत अब तक हल रही है. अब मैं काम कर रही हूँ तो नहीं जा पा रही हूँ. तो बट ये खुशी है, वो गम था. जो पाया, हालांकि हम शूट में सुबह उठते हैं और काम पे जाते हैं और यूजली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है. बट मेरा वो कभी जिंदगी में नहीं बना कि आई वॉज ऑलवेज अ नाइट पर्सन. आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, बिल्कुल भी नहीं. बट लॉकडाउन में ये जो चेंज मेरे में आया है, मैं 9:30-10 बजे सोती थी और सुबह 4:30-5 बजे उठती थी. क्यों मुझे नहीं पता. तो मेरा जो बॉडी क्लॉक है वो चेंज हो गया है, विच आई थिंक इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. नहीं, इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि जो मैं स्कूल से लेकर आज तक मम्मी सुबह डंडे मार के उठाती थी और बोलती थी उठ जा मम्मी 5 मिनट बाथरूम में जाके सो जाती थी जमीन के ऊपर. माय गॉड. हाँ, बाथरूम में जाके फिर मम्मी से करी उठ जाना है स्कूल. बट अब जाकर लॉकडाउन में ये हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ सुबह की शिफ्ट से और जल्दी सो जाती हूँ, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज हुई है मेरे साथ. फैंटास्टिक. राजीव, व्हाट अबाउट यू? मैंने 4 किलो पाया. मैं 70 हो गया क्योंकि आई कुडंट गो फॉर माय रन्स. फिर मैंने पाया कि भिंडी आलू के अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो बन जाती हैं, क्योंकि समझ में आता हर 3 घंटे में क्या खाना है. अब क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, यही होता था कि अच्छा सुबह क्या खाना है, यही नहीं समझ आता था खाना क्या क्या है. तो अलग अलग चीजें हमने, कच्चे केले की सब्जी, ये मुझे मैंने कभी खाई नहीं थी, यार ये तो अरबी से भी बेटर है. ये सारी चीजें मैंने पाई है. और ये भी पाया है कि मेरी वाइफ कुक कर सकती है, और ये भी पाया है कि मैं भी कर सकता हूँ. शाबाश.
And apart from that, honestly, as Rajendra said, क्या होता ना, I used to feel very guilty that you know I can't spend much time with my family because you're shooting at far off places, I mean Naigaon, and you know when you come back you're so tired. And I used to feel guilty कि यार मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है कि वो रात को आता है सोता है सुबह स्कूल चले जाता है तो ये कैसे है यार, because I honestly felt really guilty. We have spent a lot of great time together and मतलब वो सारा जो था ना तीन चार महीने पूरा मैं खेला हूँ PS से लेकर ये होमवर्क फिर भी नहीं करा पाया मेरी वाइफ नहीं करवा मेरे बस की नहीं बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ ग्रेट टाइम बीइंग टुगेदर व्हिच आई यू नो व्हिच यू डोंट नॉर्मली डोंट गेट बट आई होप वी जस्ट गेट ऑफ दिस फेज सून यस आई होपफुली विश आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि जल्दी नाउ वी हियरिंग लॉट ऑफ गुड न्यूज हो रहे हैं सबका तो आ रहा है क्या धीरे धीरे यू नो प्रे टू गॉड फिंगर्स क्रॉस्ड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज टू to all of you actually, but more to Sudeep ji, Shweta and Rajendra ji. How should one, this question is asked again by Jigar Ganatra, is how should one deal with the log kya kahenge thought that we have in this society? Yaar, log aapko khana khilane nahi aate. Mera toh ye manna hai, ki kya wo mujhe khana khilane aa raha hai kya? Wo mere ghar ke EMIs bhar raha hai kya? So I don't believe in log kya kahenge, to be very honest. Correct. Aapko theek lagta hai, aap usko sahi reason bol dete ho, to aapko karo. लोग क्या करेंगे आई डोंट केयर ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ बिकॉज मेरे पापा जब तक थे वो ये सोचती वो केयर करते थे कि लोग क्या कहेंगे बट वक्त के साथ उनमें वो चेंज आया था और मम्मा में भी अब कुछ हद तक अभी भी आपने वो शुरू में बोला था ना व्हाट्सएप पे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मास्टर जी का वो है तो करो वो मेरी मॉम है वो रोज मुझे आज बेटा इनका बर्थडे जरा विश कर दे मम्मी नहीं करना मुझे मुझे पसंद ही नहीं है वो इंसान क्यों करूं पढ़ने का वो शायद ग्रुप पे है भी नहीं मास्टर जी ग्रुप पे कितने ग्रुप तो एक एक साल के लिए मैंने म्यूट पे डाले हुए तो ये चीज वो ये था उनके साथ ऐसा इक्वेशन मेरे या था तो I've lost the chain of thought only now you talk about लोग क्या कहेंगे so Yeah, I've completely lost the chain of thought. No problem. We'll come back to you again. Let's talk to Pratap ji. Pratap ji, log kya kahenge? Aapka kya? You know, what is your thought on it? Dekhi, kaisa hai na sir ki har kisi ka apna ek set, ek questioner zindagi ka set hota hai. Aap usi hisab se, usi tarike se chalte hain. Niyam wo jo hum pe lagu ho. Ji. ये सिंपल फंडा है. लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए. क्योंकि जैसे कि राजीव ने अभी कहा कि कोई हमको करोटी खिलाने नहीं आता. और अपनी तरफ से कोई भी बाप या कोई भी बेटा या कोई भी फैमिली मेंबर आपको गलत तो कुछ चीज सिखाएगा नहीं. करेक्ट. अगर आप कर रहे होंगे तो वो रोकेगा. वो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच का फर्क है सर. परफेक्ट. वो एक चीज आपके लिए लग्जरी हो सकती है, मेरे लिए नेसेसिटी हो सकती है. अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, ये सबसे बड़ा सूत्र है. फिर जिसको जो बोलना बोले. दैट्स ट्रू. शाबाश. सुपर्ब. ये जैसे आपका एक कमेंट बहुत सिक था. कंप्लीट करना चाहूंगी कि जो मॉम डैड ने जो लोग क्या कहेंगे का वो जो था ना वो चीज मैं अपने अगर मेरे बच्चे हुए जब भी होंगे तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट डू दैट विद माय चिल्ड्रन. उनको बड़ा ही मैं इस थॉट से करूंगी कि बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, आपके भाई बहन क्या कहेंगे, बिकॉज वो आपकी इमीडिएट फैमिली है. बिकॉज आप जो भी करेंगे सबसे बड़ा असर उन पे पड़ेगा, बाकी एक्सटेंडेड पे बहुत बहुत दूर की बात है. और समाज का तो भूल ही जाओ, बट जरूरी है कि आप क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या और आपके पेरेंट्स की सोच क्या. यू नो एक्चुअली मैं अपनी भी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. मेरे को भी लोग काफी इंटरनेट पे ट्रोल करते हैं, तो लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल दिस इंटरनेट के ट्रोल्स. मैंने बोला देखो कोई भी जो पर्सन है जो जिस पता है यू नो जो पर्सनली नो है मगर वो कुछ बोलेगा मैं एटलीस्ट उसको कमेंट को पढ़ूंगा भी नहीं, तो मैं तो कमेंट्स देखता भी नहीं हूँ, खोलता भी नहीं हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम आई थिंक हैप्पी एंड सेड. एंड बिकॉज श्वेता जी यू सेड दिस यू नो थिंक दैट यू आर सिंगल. आई थिंक यू आर सिंगल एंड आर यू सिंगल, सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट. एंड एटलीस्ट यू जस्ट सेड इट यू डोंट हैव एनी चिल्ड्रन. ओके लेट्स इफ यू आर नॉट मैरिड. एक बच्चे की माँ का किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था प्लीज सिंस यू डोंट हैव चिल्ड्रन. ये सच कहूँ तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा.
ये शो पहले तो लेना चैलेंजिंग था. मैं सोच रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मुझे ऋषभ जैसे ग्रोन अप की माँ बनना है, और अगर मैं बनती हूँ तो क्या मैं उसे कन्विंसिंगली, जब आप खुद कन्विंस नहीं हो तो आप कन्विंसिंगली ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे. पर जब मैंने ये शो की कहानी सुनी और जब हमने कुछ सीन्स इन्होंने मुझे दिए और मैंने जब नरेशन सुना, फिर सोनी सब है तो सोनी सब इज लाइक होम टू मी. ये मेरा चौथा या पांचवा शो है इस चैनल के साथ. पहले तो चैनल जो इस चैनल के लिए था वो थोड़ा सा झुकाव ऑलरेडी था शो की. फिर देन द प्रोडक्शन हाउस वाज वंडरफुल टू वर्क विद आशीष तोमर प्रोडक्शंस. देन द कास्ट वाज अमेजिंग. सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी जिसने मुझे इसकी तरफ आकर्षित किया. बट हाँ, हमेशा मैं अब भी यही, जब आप तो बात कर रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं माँ जैसी लग रही हूँ, बोल रही हूँ. तो कॉन्स्टेंट वो डाउट मेरे मन में आता है. मैं सुदीप से भी पूछती रहती हूँ, रिमेम्बर सुदीप, वी कीप हैविंग दिस थिंग कि यू नो इट डजंट कम फ्रॉम विद इन. थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है मुझे, बट आई थिंक वो वक्त के साथ, आई थिंक यू डूइंग इट ब्यूटीफुली. And मैं सब सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, बिफोर द शो आई हैड गॉट टू मेट श्वेता एंड मैं दो बार देखा कि इस शी रेडी तो मदर, ये माँ कैसे हो सकती है, तो खुद ये शो में बेटी भी है क्या, मुझे बेटी तो दिख नहीं रही स्क्रिप्ट में. ओके, दैट ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाज आस्क्ड, थैंक यू, लवली आंसर. दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय रेनू खंतवाल फ्रॉम दिल्ली. अभी एक सुनील फ्रॉम प्रहार मुंबई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक तो लॉकडाउन में के बाद शायद सब आपने शूटिंग की होगी लॉकडाउन के बाद, अगर नहीं की है तो ठीक है, बाकी शूटिंग में जिस शूटिंग के लॉकडाउन के बाद जिस जिसने शूटिंग सेट्स पे जाके से, वो फीलिंग कैसी रही है, यू नो, बिकॉज़ यू आर कमिंग बैक आफ्टर 3-4 मंथ्स डूइंग शूटिंग, वो कैसी रही है? अरे बहुत कमाल. अच्छा, मतलब लॉकडाउन के बाद का पहला दिन था मेरा जी. सीरियल वाज सीरियल इज मेरे डैड की दुल्हन कमिंग ऑन सोनी टेलीविजन. ओह, 3.5-4 महीने के बाद कॉल आया, कल से शूट करेंगे सर, ऐसा वैसा. मैंने कहा ठीक. जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा, जो सारे लोग, चाहे वो वरुण वडोला हो, चाहे वो श्वेता तिवारी हो, एवरीबडी, जो हम जो 5-6 महीने से जिन ऐसे मिलने की आदत थी, तो जैसे ही मैंने पहुंचा तो एक माहौल में अजीब सा एक डर था. कोई आदमी दो लाइन से ज्यादा तीसरी लाइन बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि तीसरी लाइन बोलेंगे तो कंधे पे हाथ चला जाएगा, दे देंगे और सब इधर उधर एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाएगी. उस डर ने सबको एक दूसरे, कैसे भाई, सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है. वो ठीक है जिंदगी में आ गया था सबके. अब धीरे धीरे जाके वो शायद अब दूर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ लंच ब्रेक में सबका साथ मिलकर खाना खाना. वो राइस प्लेट नहीं रहा, अपना ही खाना रह गया बस. राइस प्लेट खत्म हो गई भाई. बहुत अच्छा ही फीलिंग है, बट जैसे सर ने कहा, थोड़े तो एंशियस हो गए थे चीजों को लेके, एब्सोल्युटली. बट आई थिंक प्रिकॉशंस सभी ले रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, और इंक्लूडिंग द कास्ट टीम जो है प्रोडक्शन हाउस टेकिंग केयर ऑफ इट, इंक्लूडिंग सोनी सब. एंड we all are glad, we are really glad and blessed ki hum log hai isme, and there is no fear, but we are taking precautions, but it's a really good feeling. I am really happy. Perfect. What about you, Shweta? Yeah, initial 1 week was difficult, I think because hum itna distance, physical to distance tha hi, wo kahin wo jo एक जुड़ती है ना कड़ी, वो जुड़ नहीं पा रही थी क्योंकि इतना डिस्टेंस था. नहीं तो हम आके एक दूसरे को हग करते हैं, एटलीस्ट हैंड शेक करते हैं, यू नो, वी ट्राई एंड गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर, पर वो नहीं हो पा रहा था. बट अब आई थिंक फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ शूटिंग थिंग्स आर बेटर, प्लस हम अब अपने सेट पे हैं, तो इट्स लाइक आवर सेकंड होम नाउ फॉर एवर नाउ होपफुली. तो अब थोड़ी चीजें इजी हो गई है, एक रिदम बैठ गया है रोज का, आके चीजें संभालना, सैनिटाइज करना. अगर हम डिस्टेंस भी मेंटेन करें तो वो इमोशनल डिस्टेंस अब वो फिल हो गया है, वी आर क्लोजर टू ईच अदर. सो दैट या इनिशियली फर्स्ट 1 week वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अब इट्स नाइस. ओके, व्हाट अबाउट यू सुदीप? वेल, इट वाज स्केरी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ यू नो आई हैव अ चाइल्ड हुज 10 एंड आई वाज नॉट श्योर कि कैसे होगा, क्या होगा. पहले तो मतलब
कितने लीटर तो सैनिटाइजर यूज होता है, मेरे हाथ ही छोटे हो गए जैसे लगता है, बिकॉज गाड़ी में बैठते वक्त यहाँ करते वक्त यू स्केयर्ड, यू नो हाउ यू वांट टू बी श्योर दैट यू प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम बिकॉज एट होम यू आर प्रोटेक्टेड इन अ वे. But I was so happy to see that you know, great care was everybody was very careful and cautious, from a makeup man to a light man to everyone, and your oximeter and temperature, everything was taken care of. So you knew that, you know, everybody is very serious about it. But at the same time, being serious, and we have to work. So वो सब ध्यान में मध्य नजर रखते हुए धीरे धीरे करके आप हर एक दिन पे थोड़ा थोड़ा खुलते गए कि हाँ ठीक है अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, अब मैं अपना यू नो, बिकॉज आप कैमरे के सामने तो आपको मास्क उतारना ही पड़ेगा, तो जब आप वो उतारते तो आपको डर लगता है, और अभी भी खैर मेरे जेब में होता है, कट होते ही ऐसे हो जाता है. तो आई होप ये टाइम जल्दी खत्म हो और हम सब थैंक यू सो मच. एंड नाउ this is an amazing show. Thank you everybody, thank you to all the cast, thank you to all the press who has joined us today. You know, as you know, a new friendship is going to start, ek nayi yaari, a new relationship between a father and son, which we'll be seeing on Sony Sub 31 August raat 9 baje. You know, jaise maine pehle bataya, ye bahut hi amazing story hai, you know, relationship between a father and a son, ya dosti hogi ya nahi, pyar badhega ki nahi, ansh राजीव को अपने सोशल मीडिया में इंक्लूड करेगा कि नहीं, तो आप देखिए ऑन ऑगस्ट 31st ऑन सोनी सब रात को 9 बजे. एंड प्लीज टेल ऑल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, एवरीबॉडी अबाउट दिस शो, एंड लेट अस ऑल स्प्रेड दिस खुशियों वाली फीलिंग. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अंश, थैंक यू दादाजी, थैंक यू जानवी, थैंक यू राजीव, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ये बहुत जल्दी चले जाएगा. And before we go, let us once again see the promo of the show. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. बच्चों का अटैचमेंट पहुंच तो ले, ये भूल रहा था, हमेशा माँ से रहा है और पिता ने अक्सर दूर रहने का दर्द सहा है. चाहे 9 से 12 का शो हो या मामला थोड़ा पर्सनल हो, माँ को दोस्त बनाकर बच्चे सब बता जाते हैं, क्या हो रहा है भाई, हमें भी बता दो. और पिता दोस्ती की इस रेस में अक्सर पीछे रह जाते हैं, पर जयपुर वाले बंसल जी ने ये ठाना है, मुझे अपने बेटे को यार बनाना है. रिशव, रिशव, हाँ बेटा, चल. पापा, आप भी ना. एक पिता की कोशिश है जारी, कैसे होगी बाप और बेटे में यारी. 31 अगस्त से रात 9 बजे सिर्फ सोनी सब पर.